हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल, एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए है। दोस्तों, आपको पता ही है, जैसे कि मैंने कल एक आप लोग के लिए एक वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने दिया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। बट आपको एक चीज़ तो पता ही है कि आपका ज्योग्राफी का पेपर जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। तो इसकी खबर खुद एजुकेशन मिनिस्टर ने दी है कि आपका ज्योग्राफी का जो पेपर जो कल होने वाला था मंडे के दिन, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। ऑफिशियल डेट जो है वो जारी नहीं किया है उनकी तरफ से, बस इतना बोला है कि आप 31 मार्च तक का इंतज़ार करिए, वो टाइम पे आपको एक ऑफिशियल डेट दे दी जाएगी, फिर आपको ज्योग्राफी का पेपर देने मिल जाएगा। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि जैसे आपको कल एक वीडियो मिल चुका था जिसमें मैंने क्या दिया था, आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड उसमें कुछ गिव रीजंस भी आपको दिए थे। लेकिन उस वीडियो में मुझे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर, मैप्स का भी क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। बल्कि मैंने सिर्फ इतना बोला था आपको लास्ट में, कल के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि जितने भी मैप्स आपको दिखेंगे वो सब कवर करके जाइए, बिकॉज मैप जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। बट बहुत सारे लोग का मुझे कमेंट आया, दैट्स वाई मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको देने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स ऑफ मार्किंग, ठीक है। जो भी आपको मैप्स मार्किंग करने के लिए आते हैं, मैप्स प्लॉटिंग करने के लिए आते हैं, वो मैं आपको देने वाला हूँ। मैंने 2-3 प्रोफेसर्स लोग से पूछ के ये वीडियो बनाया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट्स तैयार की है मैप्स के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको दूंगा जो भी हमारे ज्योग्राफी के पेपर में मैप्स आ सकते हैं प्लॉटिंग के लिए, वो यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और एक पेंसिल और एक बुक ले लीजिए और साथ में ये क्वेश्चंस को लिखते जाइए वन बाय वन, ठीक है। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहला जो है मैं देने जा रहा हूँ ब्राज़ील मैप मार्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ब्राज़ील से रिलेटेड जितने भी मैप मार्किंग क्वेश्चंस है वो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है, देख सकते हो आप स्क्रीन पर, इक्वेटर इन ब्राज़ील, ठीक है। जो हमारा ब्राज़ील है उसका इक्वेटर जो है आपको वहाँ पर प्लॉट करना है। सेकेंड, कैपिटल ऑफ ब्राज़ील जिसको हम लोग ब्राज़ीलिया के नाम से भी जानते हैं, वो आपको प्लॉट करने आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो आप, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो कहाँ है, वो आपको प्लॉट करने आ जाएगा। फोर्थ जो है वो है गयाना हाइलैंड्स, ठीक है, गयाना हाइलैंड्स आपको आ सकता है। पांचवा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, क्वेश्चन जो है हमारा वो है मजारो आइलैंड्स, मजारो आइलैंड्स ब्राज़ील में कहाँ है, वो आपको प्लॉट करने आ सकता है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो वो है हाइएस्ट पीक इन ब्राज़ील, जो ब्राज़ील का सबसे हाइएस्ट पीक है जिसका नाम यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, पिको डे नेब्लिना, ठीक है। तो ये पिक कहाँ पे, वो आपको मैप जो है प्लॉटिंग करके बताना है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है अमेजॉन रिवर, दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अमेजॉन रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग इन ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील में अमेजॉन रिवर कहाँ है वो आपको प्लॉट करके दिखाना है। आठवां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये है जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, उरुग्वे रिवर्स, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोग के लिए, जो है रीजन ऑफ ऑरोग्राफिक रेनफॉल, कहाँ होता है ऑरोग्राफिक रेनफॉल, उसका रीजन आपको मैप में प्लॉट करके बताना है। दसवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो उसका नाम है सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। सवाना ग्रासलैंड आपको वहाँ पर दिखाना है मैप में। इलेवेंथ क्वेश्चन की बात करो दोस्तों, तो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है, ठीक है, वो आपको बताना है। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम है रीजन विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा आपका हाई पॉपुलेशन है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसमें मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए बता रखा है कि साओ पोलो एंड रियो डी जेनेरियो, ये दो ऐसे रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो रीजन आपको अपने मैप में बताना है, ठीक है। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो स्टेट विथ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, तो ऐसा कौन से स्टेट है ब्राज़ील में जो न्यूक्लिएटेड है सेटलमेंट में, ठीक है। तो इसका भी मैंने एक आपको नाम दे रखा है, साओ पोलो जो है वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट ऐसा स्टेट है। 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसका नाम है विच स्टेट या फिर रीजन इन ब्राज़ील विच इज़ मोस्ट अर्बनाइज, ऐसा कौन सा शहर है या फिर रीजन है ब्राज़ील के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज है, तो जिसका नाम है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे येलो मार्किंग में आप देख सकते हो हाईलाइटेड, साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो एंड एस्पिरेटो सांतो, ठीक है। ये तीन जगह जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है, अर्बनाइज है, तो ये मार्किंग करने के लिए आपको आ सकता है। 15वां क्वेश्चन की जो बात करता हूँ मैं यहाँ पर, वो है ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, ठीक है, ट्रांस अमेजोनियन हाईवे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्किंग करने के लिए आपको पूछ सकता है। 16th क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है मैनाउस पोर्ट, ठीक है, मैनाउस पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करके जाना, ठीक है। एंड 17th क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है सेल्वेडोर पोर्ट, ठीक है, मैनाउस पोर्ट एंड सेल्वेडोर पोर्ट, ये दोनों में से आपको कोई एक पूछ सकता है, इसके चांसेस है। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन जो कि
ब्राज़ील के हिसाब से था। तो आपको पता ही है जैसे कि आपका ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ दो ही कंट्री के बारे में सबसे ज़्यादा कवर किया है यहाँ पे, जो कि है ब्राज़ील और दूसरा है हमारा इंडिया। ठीक है, ये दो कंट्री के बारे में ही कवर किया है। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि ब्राज़ील में कौन से मैप्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक जो कि है हमारा इंडिया मैप्स मार्किंग क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा इंडिया है उसमें कौन कौन से जगह ऐसे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैप जो है मार्किंग क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो वो है कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारा न्यू दिल्ली एग्जैक्टली कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मार्किंग के लिए। दूसरा क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू इंडिया, हमारा ऐसा इंडिया में कौन सा जगह है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, वो रीजन आपको प्लॉट करना है मैप में। तीसरा क्वेश्चन की बात करूँ K2 पीक जो कि बहुत फेमस है, दैट इज कंचनजुंगा पीक। ठीक है, इसका नाम है, तो ये कहाँ पर आता है वो एग्जैक्टली आपको मार्क करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो है एनामोड़ी पीक जो कि केरला के नज़दीक में है लगभग, तो ये आपको मार्क करने के लिए आ सकता है। पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा वो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन IST जिसको हम लोग बोलते हैं 82.5 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट पे। ठीक है, तो ये आपको प्लॉट करने आ सकता है। सिक्स क्वेश्चन की बात करूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि है स्टेट विथ वन हॉर्न राइनासोरस, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें वन हॉर्न राइनासोरस रहते हैं, तो वो स्टेट का नाम है आसाम। ठीक है, वो आपको मार्क करके आ सकता है। सातवां क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों इस रेंज में तो वो है अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन कहाँ है वो आपको मार्क करने के लिए आ सकता है। एट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है रन ऑफ कच्छ, दोस्तों मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, रन ऑफ कच्छ गुजरात में जो कि पड़ता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको प्लॉटिंग के लिए मार्किंग के लिए आ सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो है विंध्या रेंज। ठीक है, विंध्या रेंज भी आपको कर लेना है प्रैक्टिस, जरूर से आ सकता है। टेंथ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो है सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबंस जो हमारे वेस्ट बंगाल में है, तो वो भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। 11th क्वेश्चन की बात करें तो कुछ रिवर्स जो है आपको हमारे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवर्स भी है, तो उनके बारे में कुछ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। पहला है गंगा रिवर, उसमें 11th क्वेश्चन। 12th आप देख सकते हो गोदावरी रिवर, एंड 13th आप देख सकते हो लूनी रिवर। तो ये तीनों रिवर में से कुछ ना कुछ एक एक रिवर तो आपको पूछ सकता है कहाँ पर सिचुएटेड है, वो आपको मार्किंग के लिए या फिर प्लॉटिंग के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, तो जरूर से इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। बढ़ते 14th क्वेश्चन की तरफ, तो 14th क्वेश्चन जो है वो है स्टेट रिसीविंग विंटर रेनफॉल, ऐसा कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया में जो कि विंटर रेनफॉल को रिसीव करता है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, 15th क्वेश्चन जो है हॉट डेजर्ट या फिर इसको थार डेजर्ट भी बोलते हैं, तो ऐसा कौन सा है हॉट डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट, जैसे आपको पता ही है राजस्थान में जो डेजर्ट है हमारा उसी को बोलते हैं हम लोग हॉट डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट, तो उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों तो वो है हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट कहाँ है, तो उसको हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम लोग मराठी में मालधोक भी बोलते हैं, तो वो आपको कर लेना है अच्छे से। 17th क्वेश्चन की बात करें तो वो है हैबिटेट ऑफ बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर कहाँ पर आते हैं, ठीक है, उसका आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 18th क्वेश्चन की बात करें रीजन विथ लो रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ऐसा कौन सा रीजन है जो सबसे ज़्यादा लो रेनफॉल होता है, अगेन थार डेजर्ट जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर सबसे लो रेनफॉल होता है। ठीक है, 19th क्वेश्चन की बात करें स्टेट विथ लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन नॉर्दर्न इंडिया, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो जो है हमारा आपको जैसे कि पता ही होगा ऑलमोस्ट कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे लो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो वो आपको जरूर से प्लॉटिंग करने के लिए पूछ सकता है। 20th क्वेश्चन की बात करें 20वां क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज स्टेट हमारे इंडिया में कौन सा है, तो वो है दोस्तों गोवा। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा गोवा काफ़ी अर्बनाइज स्टेट है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। ठीक है, 21th क्वेश्चन की बात करें स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो या फिर लिटरेसी रेट, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, तो दोनों ही की बात करूं दोनों ही दोनों के केस में हाईएस्ट सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट दोनों ही केस में केरला जो है सबसे आगे है हमारे कंट्री में। ठीक है, तो वो प्लॉट करने के लिए आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन बात करें 22 क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन जो है मुंबई हाई, तो मुंबई हाई क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता दूं मुंबई हाई हमारा अरेबियन सी के अंदर है, अरब सागर के अंदर है जो कि मुंबई के नज़दीक में है, और वहाँ से ही हमको पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल जिसकी वो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो ये भी प्लॉट करने के लिए आपको आ सकता है। 23 क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों तो मुंबई टू नागपुर रेल रूट आपको पूछ सकता है। मुंबई तो आपको पता ही है कि हमारा महाराष्ट्र का कैपिटल है और नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे लिए, तो मुंबई से नागपुर का रेल रूट आपको पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, 24 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, ठीक है, जो कि ऐसा हाईवे है जो चार मेन सिटीज़ को कनेक्ट करता है, मुंबई दिल्ली कोलकाता एंड चेन्नई, तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, तो ये एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है एंड आपको इसको प्लॉट करके बताना है। 25 क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए, तो वो है पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट कहाँ पड़ता है, हमारे इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पड़ता है, तो वो आपको प्लॉटिंग के लिए पूछ सकता है। एंड दोस्तों अगर बात करूँ मैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की जो कि हमारा इंडिया मैपिंग का सबसे आखिरी क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, तो वो है कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड का जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से पूछ सकता है आपको, जरूर से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा इसको। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि मैप प्लॉटिंग के ऊपर बेस्ड थे, हमारे इंडिया के और ब्राज़ील के, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, इसमें से कुछ मैप्स ऐसे भी थे जो बाहर से मैंने डाले थे, एंड कुछ मैप्स आपको इसका आंसर टेक्स्टबुक में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास टाइम तो बहुत है ज्योग्राफी का पेपर प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि आप अभी से इतने भी आलसी मत हो जाओ कि आप प्रिपेरेशन मत करो ये सोच के कि आपको अभी 31 मार्च तक टाइम है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों आप लोग के लिए कि आप हर दिन कम से कम एक एक चैप्टर पढ़ो, तो एटलीस्ट आप 9 से 10 दिन में आप इजीली एक एक चैप्टर भी पढ़ोगे तो आपका टोटली सिलेबस कवर हो जाएगा विद इन 9 to 10 days। और जैसे कि 31 मार्च को आपको पता चल ही जाएगा कि आपका पेपर कब है लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पेपर जो है वो लगभग 3 से 4 तारीख तक हो सकता है आपका विद इन 31 मार्च के 2-3 दिन के बाद। ठीक है, तो जरूर से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कल भी दिए थे आपको, क्वेश्चन आंसर्स और गिव रीजन दिए थे, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, वो वीडियो अगर अब तक आपने देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाके भी वो वीडियो देख लीजिए। और ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है मैप्स के, ये सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास बहुत टाइम है, आराम से प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो, हमारे कॉन्टेंट अच्छे लग रहे हैं आपको, ऐसे ही वीडियोज़ चाहिए आप लोग को, आगे भी मैं कुछ वीडियोज़ बनाऊंगा जो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगी कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है आगे 11th में जाके, तो उसके भी वीडियोस में जल्दी से जल्द बनाने वाला हूं। तो वैसे वीडियो के लिए भी चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।